वेलकम स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने पेस्टिंग लेमा की स्टेटमेंट की थी और उसका प्रूफ किया था। तो आज हम कुछ एप्लीकेशंस करेंगे कि पेस्टिंग लेमा की हेल्प से हम कैसे चेक कर सकते हैं कि कोई फंक्शन कंटिन्यूज है या नहीं। तो देखिए, एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं एच ऑफ एक्स। किस तरह से डिफाइन करते हैं कि अगर हमारे पास जो x है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है तो उसकी इमेज हम x डिफाइन करते हैं, और अगर वो x लेस देन और इक्वल टू जीरो है तो उसकी इमेज जो है हम x बाय टू डिफाइन करते हैं। जो ये फंक्शन है हमने हमारी रियल स्पेस से लेकर रियल स्पेस तक डिफाइन किया है। h फंक्शन है जो हमारा, हमने इस तरह से एक फंक्शन को डिफाइन किया है। हमने ये चेक करना है कि क्या ये फंक्शन हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है या नहीं है ये टोपोलॉजी की सर्फेसिस में। तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले दो फंक्शन डिफाइन करते हैं। एक हम f ऑफ x फंक्शन डिफाइन करेंगे, वो हम क्लोज इंटरवल 0, ∞ से लेकर यहाँ तक डिफाइन करेंगे। और किस तरह से डिफाइन करेंगे कि f ऑफ x की इमेज क्या है x। उसके बाद हम एक और फंक्शन डिफाइन करेंगे g ऑफ x, और वो फंक्शन -∞, 0 क्लोज से लेकर इंटरवल तक डिफाइन करेंगे, और जो ये फंक्शन है वो हम डिफाइन करेंगे x बाय 2। तो हम कह सकते हैं कि जो f और g है वो हमने h की दो रिस्ट्रिक्शंस मैप है वो डिफाइन कर लिए। तो हम वन बाय वन कंडीशन चेक करेंगे, और ये जो सेट है हमारे पास वो हमारा ए सेट का काम कर रहा है यहाँ पर, और ये हमारे पास अब ये बी सेट है, बी सेट का काम करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से ये ओपन आएगा। तो यहाँ से देखिए ये दोनों के दोनों हमारे पास जो सेट्स हैं वो क्लोज सेट हैं, और पूरी की पूरी जो हमारी रियल लाइन है उसे हम ए यूनियन बी में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, और ये दोनों के दोनों हमारे पास क्लोज सेट हैं। तो सबसे पहली कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है कि एक्स स्पेस को हम ए यूनियन बी में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, और ये दोनों के दोनों सेट्स हैं जो हमारे पास वो क्लोज सेट हैं। उसके बाद जो ये मैप है वो कॉन्टिन्यूस मैप है, ये एक्स है, ये एक्स बाय टू है, क्योंकि ये भी पॉलीनोमियल फंक्शन है, ये भी पॉलीनोमियल फंक्शन है। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सेकंड कंडीशन, एफ और जी हमें क्या दिए हुए हैं, कॉन्टिन्यूस मैप दिए हुए हैं, तो ये भी हमारे पास सेटिस्फाई होगी, कॉन्टिन्यूटी भी हमारे पास सेटिस्फाई होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास कि इनके कॉमन पॉइंट्स पर ये फंक्शन की वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए। अब हम ए सेट और इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, और वो क्या आ रही है हमारे पास, एक सिंगलटन सेट 0 आ रहा है। इन दोनों की अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें सिंगलटन सेट 0 मिलेगा। उसके बाद हमने देखना है, अब देखिए एफ ऑफ 0 क्या है हमारे पास, 0 है, और जी ऑफ 0 निकालेंगे वो भी 0 बन गया। इट मीन जितने भी हमारे पास इंटरसेक्शन में पॉइंट हैं उन सभी पे फंक्शन की वैल्यू जो आ रही है वो सेम आ गया, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो देखिए सारी की सारी कंडीशन जो हमारे पास वो सेटिस्फाई हो गई हैं। अगर ये सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो इनसे अगर हम देख सकते हैं कि जो एच ऑफ एक्स हमने ये फंक्शन डिफाइन किया है, दैट इज एफ ऑफ एक्स, जब एक्स हमारा ए सेट में बिलोंग कर रहा है, और जी ऑफ एक्स अगर एक्स जो हमारा वो बी सेट में बिलोंग कर रहा है। देखिए बिल्कुल यही फंक्शन, दोनों सेम फंक्शन है, तो इट मीन्स जो ये फंक्शन है हमारे पास वो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो ये भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो इस तरह से हम पेस्टिंग लेमा की हेल्प से देख सकते हैं कि अगर कहीं पर भी हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है वो इस तरह से पार्टीशन में दिया हुआ है, दो सेट्स की पार्टीशन में दिया हुआ है, और अगर ये सारी की सारी हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन होगा हमारे पास वो भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। तो ये थी हमारी एप्लीकेशन। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें ध्यान रखना है कि ए और बी या तो दोनों के दोनों आपने ओपन लेने हैं या दोनों के दोनों आपने क्लोज लेने हैं, एक ओपन एक क्लोज वो नहीं चलेगा। तो ऐसे ही जो है एक काउंटर एग्जांपल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।